हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल है एडुकेशन तो कैसे हो आप सब आई होप आप लोग सब ठीक होगे गए so, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड क्लास एट का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई जिसने अभी तक चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट नहीं देखा है वो जाके पहले देख लें उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ठीक है सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो माइक्रोमीन्स क्या होता है इतना छोटा कि आप उसको नहीं देख पाओगे वो इतना छोटा होता है जी वो अभी भी आपके आसपास है बट आप देख नहीं पाओगे उसको क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है उसको देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होता है सो माइ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तरीके के होते हैं बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए होते हैं उसके बाद आगे पढ़ेंगे ठीक है तब, तब तक यहाँ पर पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखे हैं प्लांट एनिमल ठीक है लेकिन वो सब हम लोग दिखते हैं बट ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम लोग को नज़र भी नहीं आता है बट वो एग्जिस्ट करता है ठीक है तो आप लोग देखे होंगे जब बारिश का बारिश का सीजन होता है तो बारिश जब होती है उसके बाद ना ग्रीन कलर का एलगी टाइप्स ग्रीन कलर का कुछ बनता है ग्राउंड पर कुछ रहता है वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है उसको हम लोग अलगी भी कहते हैं ठीक है थीके? लेकिन वो तो ज़्यादा दिखता है हम लोग को उसमें बहुत सारे रहते हैं जब बहुत सारे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे ऑब्वियस हमको दिखेंगे लेकिन अगर वो अलग अलग रहते हैं तो किसी को भी नहीं दिख सकते हैं वो इतने छोटे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी का एक और नाम क्या है यहाँ पर माइक्रोब्स यहाँ पे एक एक्टिविटी एक एक बताई गई है आपको एक्टिविटी नंबर टू पॉइंट वन में हम लोग क्या करना है हम लोग को ना एक मॉइस्ट कुछ मॉइस्ट सॉइल को जो है एक बीकर में लेना है उसमें कुछ पानी ऐड करनी है ठीक है कुछ टाइम बाद देखोगे वो सॉइल पार्टिकल्स जो है ना वो नीचे बैठ जाएंगी वो नीचे बैठ जाएंगे लेकिन जो ऊपर जो पानी बचा हुआ होगा जैसे ये बीकर लिए हम लोग ये पूरा पानी से फिल कर दिए इसको नीचे में जो है सॉइल पूरा बैठ गई है ठीक है ये जो ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स बच गए हैं ना इसको अगर चेक करोगे ना आप लोग माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको दिखेंगे इसके अंदर कितने सारे माइक्रोब्स बैठे हुए हैं कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हैं ठीक है या फिर आप किसी एक पॉइंट का पानी लो उसको आप चेक करो माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देखेंगे कितने सारे कीटाणु उसमें होते हैं दिखते नहीं हम लोग को बट होते हैं तो टैबलेट का नाम ही आइए माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनि फ्रेंड एंड फोई फ्रेंड्स मीन्स तो आपके जैसे फ्रेंड्स होते हैं वैसे भी हमारे माइक्रो कुछ फ्रेंड होते हैं और कुछ फोई होते हैं फोई मीन्स क्या होता है फोई मीन्स होता है हमारे दुश्मन हमारे इन्हें जिनसे हम लोग नाराज़ हो जाते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होते जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते उनको हम लोग कहते हैं दुश्मन तो फिर फोई का मीन्स क्या हो गया हमारे इनमी ठीक है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अब माइक्रो ऑर्गेनिज को जो है फोर मेजर ग्रुप में जो है डिवाइड किया गया है वो ग्रुप कौन कौन सी है वो ग्रुप है बैक्टीरिया फंग फंगी प्रोटोजोआ अलगी और एक और है वो इस ग्रुप में तो नहीं है वो, तो नहीं है। वो माइक्रो माइक्रोव तो है मतलब छोटा तो है लेकिन हम लोग उसको माइक्रो ऑर्गेनिज के ग्रुप में ऐड नहीं किए हुए वो ऐसा कौन सा है वो वायरस है तो ये बहुत अच्छा एमसीक्यू बन सकता है आप लोग का ये वाला पॉइंट आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिएगा कि ऐसा कौन सा चीज़ है मतलब ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऐसा कौन सा माइक्रोब्स है जिसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में हम लोग ऐड नहीं किए हुए वो क्या है हमारा वायरस है क्या है हमारा वायरस ठीक है सो आपको ग्रुप डिवाइड समझ में आ गया ये ग्रुप कैसे है तो बैक्टीरिया फंगी प्रोटोजोआ और एल्गी और एक और ग्रुप कौन सा है जो छोटा है पर उसको ऐड नहीं किया गया वो हमारा वायरस है ठीक है अब यहाँ पर कुछ वायरस वायरस के वो बताए गए हैं एलिमेंट्स बताए गए हैं कोल्ड इन्फ्लुजा कफ ये सब वायरस के अकॉर्डिंग ही वायरस की वजह से ही होता है ठीक है और कुछ अब सबके डिजीज़ मतलब कौन से माइक्रोआरगिज से कौन से डिजीज़ होते हैं उन सब के बारे में लोग आगे डिस्कस करेंगे ठीक है सो अब, अब, अब डिजीज़ कौन कौन से होते हैं वायरस से पोलियो चिकन पॉक्स ये सब डिज़ीज़ होते हैं वायरस से ठीक है बैक्टीरिया से कौन कौन से होते हैं बैक्टीरिया से होते हैं फीवर जब आपको कोई फीवर हो जाता है ठीक है टाइफाइड या फिर ट्यूबर क्रोसिस टीबी तो इन सब के पीछे कौन होता है बैक्टीरिया होता है ठीक है इन सब के पीछे कौन होता है बैक्टीरिया होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आप से यहाँ से याद कर सकते हो डिसीज़ जो होते हैं टाइफाइड और ट्यूबरक्रोसिस किससे होते हैं बैक्टीरिया से होते हैं प्रोटोजोआ से क्या होता है मलेरिया तो ये आपके फॉलोइंग में भी बन सकता है ये आपका अच्छा क्वेश्चन ये आपका अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि टाइफाइड से कौन सा ये बैक्टीरिया से कौन सा हुआ बीमारी ठीक है फिर प्रोटोजुआ से कौन सा हुआ वायरस से कौन सा हुआ अलगी से कौन सा हुआ और फंगस से कौन सा हुआ ठीक है तो ये सब आप याद करना पड़ेगा तो मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ आपको बैक्टीरिया से हमारा टाइफाइड टीबरकोलोसिस होता है ठीक है प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है ठीक है और वायरस से वायरस से होते कोल्ड इन्फ्लुएंजा और कफ होते हैं बट डिज़ीज़ का अगर पूछा जाएगा तो डिजीज़ हमारे पोलियो और चिकन पॉक्स है ठीक है इन सब के बारे में हम लोग क्लास सिक्स सेवन में कंटिन्यू करके आए हुए होंगे इस कुछ फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर अब उन फोटोज़ को हम लोग देखते हैं तो ये देखो ये जो ऊपर के फ़ोटोज़ है ना ये जो ऊपर के फ़ोटोज़ है ये वाले ये बैक्टीरिया के फ़ोटोज़ हैं ठीक है अगर पहचानने का भी आया आप लोगों से आता तो नहीं है क्वेश्चन बट फिर भी आप लोग को पता होना चाहिए कि दिखते कैसे हैं वो लोग क्योंकि हमें तो, तो नज़र आते नहीं है माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आएंगे तो कभी आपका लाइव एक्टिविटी होता है तो आप लोग ज़रूर देखना कि वो कैसे दिखते हैं ठीक है उसके बाद फिर आप लोग आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर देखो बहुत सारे बैक्टे बहुत सारे प्रोटोजोआ अलगी ब्रेड माउल्स पेंसिलीन एसपर गिल्स ये सब का फिगर बना हुआ है आप लोग चेक कर सकते हैं उसको ठीक है कौन कैसे दिखते हैं अब हम लोग बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पर हैं ठीक है तो मैंने बताया माइक्रो ऑर्गेनिज आपके आपके साथ अभी बैठे हुए होंगे ठीक है क्योंकि वो लोग हर जगह प्रेजेंट होते हैं हर इन्वायरमेंट में वो लोग रहते हैं चाहे वो जगह ठंडी हो गर्म हो हमारे हमारे बॉडी के अंदर एनिमल बॉडी के सब जगह वो हम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिम हैं ये प्रेजेंट होते हैं ठीक है अब हम लोग बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हमारा क्या रोल है दोनों तो का साथ में कोई रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे लाइफ में क्या वो हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल है जैसे चैप्टर का नाम ही था फ्रेंड्स एंड फ़ोई तो फ्रेंड्स हैं भी कि नहीं फोई है भी कि नहीं ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की चैप्टर में आगे की टॉपिक्स में तो आज डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं कि फ्रेंडली पहले हम करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका पर्पस फ्रेंडली का हो मतलब जो हमारे फ्रेंड बनने में हेल्प करते हैं वो क्या कौन कौन से हैं जैसे कि उनका पर्पस क्या क्या है जैसे आप कभी आप कभी खाए हो दही खाए हो वो दही कैसे बनती है देखोगे आप लोग रात को ओ, किसी एक बर्तन में तो दूध में दूध में एक चम्मच दही को मिला के रात भर उसको रख देते हैं सुबह में वो पूरी दही बन जाती है है ना तो वो कैसे होता है ये काम कैसे होता है ये होता है लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो इतनी जल्दी से वो फैलता है इतनी जल्दी से वो प्रोड्यूस करता है एक दुस... दूसरे से प्रोड्यूस करता है कि वो पूरी पूरी दूध को जो है दही में कन्वर्ट कर देता है रात भर में समझे तो ये हमारा दूध को दही कन्वर्ट करने में काम आया तो ये हमारा फ्रेंडली नेचर हो गया ब्रेड्स ब्रेड तो आप सब कोई खाए खाए होंगे ब्रेड पाव ये सब सब कोई खाए होंगे ठीक है तो केक और केक सब तो कोई खाए होंगे ब्रेड ब्रेड जो हमारे घर में आता है वो बहुत स्पॉन्जी होता है मतलब अच्छा होता है ठीक है उसको वो भी पता है ब्रेड भी बनता है तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनम्स का हाथ होता है पीछे उसका हाथ होता है ईस्ट ईस्ट अब हम आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में ठीक है केक केक कितना स्पॉन्जी होता है खाने में है ना वो इसी बैक्टीरिया के कारण ही स्पॉन्जी बन पाता है अगर बैक्टीरिया होता तो, तो वो अच्छे से स्पॉन्जी नहीं बन पाता ठीक है उसके बाद फिर माइक्रो ऑर्गेजम्स का जो है अल्कोहल बनाने में भी यूज़ आता है ओके और क्या क्या पर्पज़ से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये तो मैं बताती आप लोगों की कैसे कर्ड और ब्रेड कैसे कर्ड बनते हैं बैक्टीरिया से देखो यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम भी मेंशन है ये आप लोग डिस्कस देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक बैक्टीरिया है ना तो ये कैसे ये बैक्टीरिया बनता है और यहाँ बहुत सारी चीज़ का नाम दिया हुआ है कि बैक्टीरिया किस किस्म में इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि चीज़ पिकल्स चीज़ पिकल्स और भी बहुत सारे फूड आइटम हैं ठीक है जैसे कि इडली खाते हो भटूरा खाते हो तो वो सब बहुत फूले फूले से आते हैं उनके पीछे कौन है उनके पीछे हमारे ईस्ट है ईस्ट जो है फर्मेंटेशन में हेल्प करता है डोसा इडली वो सब फुला फुला बनता है और बहुत सारी क्रंची बनता है टेस्टी बनता है वो सब इसके कारण बनता है ठीक है ईस्ट के कारण फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है उसके कारण से ये बनता है तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट बन सकता है आप लोग का तो हम लोग आगे देखते हैं देखो यहाँ पर एक्टिविटी में भी दिखाया गया है कि मैदा में ईस्ट पाउडर ऐड किए और थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद आप लोग देखोगे कि ये ऐसा था और देखो अब ये इसके बाहर भी आने लग गया ठीक है तो किसके कारण हो रहा है सब कुछ हो रहा है ईस्ट के कारण ठीक है किसके कारण हो रहा है ईस्ट के कारण ये कौन सा प्रोसेस है फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ठीक है तो ये आप लोग ध्यान रखोगे इसका प्रोसेस क्या है ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली बाई प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बबल्स ऑफ द गैस फिल द डाउ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम सो यहाँ बताया गया है ईस्ट का काम क्या है ठीक है वो आप लोग अगर क्वेश्चन आंसर आएगा आप लिख सकते हो यहाँ से ईस्ट क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है रिस्पिरेशन के कारण ठीक है उस कारण से जो गैस के बबल्स होते हैं ना वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं दिख रहा है ना यहाँ पे क्या था और यहाँ पे कि कौन सा वॉल्यूम बन गया है ना ये वॉल्यूम इंक्रीज़ करने में काम आता है ये बेकिंग इंडस्ट्री ब्रेड्स बनाने में पेस्ट्रीज बनाने में केक बनाने में ये सब में हेल्पफुल होता है ठीक है अब कुछ कॉमर्शियल यूज़ देखिए कुछ ऐसा यूज जिससे पैसा कमा सके सकता कॉमर्शियल यूज जो लार्ज लार्ज स्केल पे होता हो ठीक है लार्ज स्केल पे क्या क्या होते हैं अल्कोहल वाइन एसेटिक एसिड ये सब में काम आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ईस्ट जो है कॉमर्शियल प्रोडक्शन करवाता है किस चीज़ का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करवाता है हमारे अल्कोहल का वाइन्स का ठीक है और जो ईस्ट होता है वो नेचुरल मतलब बताएंगे इसके बारे में आपको हम आगे ये फर्मेंटेशन प्रोसेस यहाँ पर आ गया यहाँ पे चेक किया आप लोग ये फर्मेंटेशन प्रोसेस आ गया यहाँ पर कि फर्मेंटेशन कहते हैं किसको वो देख रहा था कि इस प्रोसेस को लोग फर्मेंटेशन कहते हैं बट कहते कैसे हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है आप लोगों की फर्मेंटेशन कहते कैसे हैं तो ईस्ट इज प्रोड्यूस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल नेचुरल शुगर तो ईस्ट जो है नेचुरल शुगर में ग्रोथ करता है और फिर उसी नेचुरल शुगर को जो है अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है ईस्ट के ईस्ट के द्वारा और उसी को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन ठीक है आप लोग यही डिफीनिशन आप लोग कॉपी में लिखा अगर आप लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे और इसके इन्वेंटर कौन, तो कौन था डिस्कवर कौन किया था तो ये है लुइस पासचर इन्होंने एटीन फिफ्टी सेवन में जो है एटीन फिफ्टी सेवन में इसका डिस्कवर किया था ठीक है आपको देखते हैं मेडिकल यूज़ किया है माइक्रो ऑर्गेनम का तो हम लोग बताया क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंडली यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनम जिसमें हम लोग बताएं आपको कि कैसे ब्रेड कर्ड केक अल्कोहल ये सब बनता है ठीक है आप लोग आगे और भी इसके यूज पढ़ेंगे कमर्शियल यूज़ भी देख लीजिए अपना देखिए मेडिकल यूज़ क्या क्या है ठीक है तो मेडिकल यूज़ में ये एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करता है एंटीबायोटिक किसको चाहिए होते हैं जब हमारे कोई डिजीज़ को होता है फंगस और बैक्टीरिया से तो हमें उसको ओवरकम कर उस हम उस डिज़ीज़ उस को जो है ख़त्म करने के लिए हम लोग को एंटीबायोटिक लेना पड़ता है ठीक है वो एंटीबायोटिक लेना पड़ता है वैसे ही हम वो जो एंटीबायोटिक बनता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है ठीक है जो फंगस और बैक्टीरिया से बनता है उसको बोलता है लोग एंटीबायोटिक ये एंटीबायोटिक जो है किसी भी डिजीज़ बहुत सारी डिजीज़ को जो है बहुत वैरायटी ऑफ डिजीज़ को क्योर करने में हेल्पफुल रहता है और ये बहुत सारे प्लांट डिजीज को भी कंट्रोल करता है ठीक है एंटीबायोटिक तो ये एनिमल को प्लांट को ह्यूमन को सबको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक चाहिए ही चाहिए होता है ठीक है अब बात करता हूँ वैक्सीन की अब वैक्सीन से तो हर कोई नोन है बिकॉज ये जो कोरोना टाइम था इसमें किसी को कोरोना हुआ हो या ना हुआ हो सबके लिए वैक्सीन आ गई थी है ना क्यों वैक्सीन क्यों नहीं ज़रूरत अगर मुझे नहीं हुआ है कोरोना तो मुझे क्या ज़रूरत था वैक्सीन लेने का वैक्सीन हम लोग इसलिए ले रहे थे अगर हमें फ्यूचर में कभी कोरोना होता है तो हमारे पास उसके हमारे बॉडी में उसके लिए पहले से ही तैयार है लड़ने के लिए हम लोग पहले से ही वैक्सीन लिए हुए हैं हम लोग के लिए पहले से लड़ने को तैयार है उस वायरस से है ना वायरस के लिए ही हम लोग को वैक्सीन लेने का ज़रूरत पड़ता है ठीक है तो कोरोना बेस्ट एग्ज़ाम्पल है वैक्सीन का किसी को हुआ हो या ना हुआ हो लेकिन हम सबको वैक्सीन लेना पड़ता अगर इन फ्यूचर कभी हम लोग को वैक्सीन हम लोग को कभी कोरोना हुआ तो कोरोना वायरस हम लोग कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि तो हम, हमारे अंदर पहले से ही वैक्सीन है है ना हेल्दी बॉडी उसके आराम से लड़ लेगी और उस वायरस को मार देगी तो हम लोग को वो ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं करेगा बचपन में भी अभी तो चलो ठीक है कोरोना आ गया लेकिन बचपन में भी पोलियो की हम लोग की पोलियो का डोज होता था ठीक है पोलियो पिलाया जाता था हम लोगों को क्यों पिला पिलाया जाता था पोलियो हम लोग को ताकि अगर कभी फ्यूचर में पोलियो बीमारी हो तो उसके उससे लड़ने के लिए हमारे बॉडी में पहले से ही प्रोटीन हो पहले से ही हमारे बॉडी ताकत हो ताकि उससे लड़ सके है ना इससे कह टेस्ट होता है टेस्ट में अगर आप अच्छे से पढ़े हो ना तो फिर डर लगता है आपको कोई भी सभी क्वेश्चन आ जाए मैं तुरंत सॉल्व कर लूँगी अगर आपको मैम पाँच क्वेश्चन करवाई हो और बोली इसको याद करके आना और जिस बच्चे को अच्छे से याद है वो तो कन् वो तो बिल्कुल डरेगा नहीं क्योंकि उसको पता है इन पांच क्वेश्चन में इसी किसी मैम को पूछना है तो मुझे सारा आता तो है मैम कुछ भी पूछ रहे है ना तो वैसे ही वैक्सीन था हमारे अंदर वो ऑलरेडी प्रजेंट अब वो कोई भी वायरस आ जाए हमारे बॉडी उसे लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है ठीक है तो इसके कुछ डिजीज़ का नाम देख लेते हैं कोलेरा टीबर कोलोसिस स्मॉल पॉक्स हेपाटाइटिस अब स्मॉल पॉक्स इसके लिए भी लोग पहले से दवा खा लेते ताकि हम लोग को कुछ हो ना तो ये सारा वैक्सीन जो है हम लोग खाते पीते आ रहे हैं बस हम लोग को पढ़ना है इस बारे में कि ये इसको कहते हैं क्या ये होता किस चीज़ से ठीक है कुछ वैक्सीन हमारे हॉस्पिटल में मिलते हैं कुछ हम लोग घर आके पोलियो प्रोग्राम चला था उसमें हम लोग को मिला था चिल्ड्रन को घर जगह का दिया गया था ये वर्ल्ड वाइड कैंपिंग था जिसके कारण जिसके कारण बहुत सारे आज बच्चों को सब पोलियो फ्री मना रहा है क्यों क्योंकि ये अच्छे से ये हमारा मिशन कंप्लीट हो गया इसी वजह से है ना तो वैक्सीन का लार्ज स्केल में माइक्रो ऑर्गेनि हेल्प करते हैं वैक्सीन बनाने में अब आती है सॉइल की बात इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी इसके बारे में मैंने आप लोगों से चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं बेस्ट फ्रेंड होते हैं ये फार्मर्स के अर्थफॉर्म ये हेल्प करते हैं ना अच्छी प्रोडक्शन में अच्छे खाद के लिए अच्छे से सेफ फर्टिलिटी करवाने के लिए मतलब तो यहाँ पे कैसे ये हेल्पफुल है तो आइए फिर से पढ़ते दे इस चीज़ को हम लोग ठीक है नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं फिक्सेशन पर ये पूरा टॉपिक ही आपको पढ़ाएंगे मैं ये क्या करते है ना? कर हैं ना नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं उसके बाद फिर ये फर्टिलिटी को गेन फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी को ये बूस्ट कर देते हैं ओके okay? अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्लिनसिंग द इन्वायरमेंट अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं ना ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हमारा हेल्प करते हैं जैसे कि हम लोग जो है ना वेजिटेबल पील्स हो गए कुछ फ्रूट जो हमारे गल जाते हैं या कुछ वेजिटेबल खराब जाते हैं उन तो सबको हम लोग एक जगह एक किसी टब में या बीकर में रख दे ठीक है उस टाइम बाद होंगे वो जो पील्स या फिर जो भी आप वेस्ट रखे हो ना ऑर्गेनिक वेस्ट होना चाहिए ठीक है इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वेस्ट अगर होता है ना वो तो माइक्रो ऑर्गेनिक्स बहुत जल्दी वहाँ पे उसको कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर में कंपोस्ट में जो हमारे सॉइल में डलता है तो उसके फर्टिलिटी को वो इनक्रीज़ कर देता है तो इस कारण से वो फर्टिलिटी भी इनक्रीज़ कर दिया और जो भी कचरा था डिस्पोजल था वो सबको क्या किया एक अच्छे काम के लिए यूज़ करवा दिया ठीक है तो ये एक अच्छा चीज़ है क्लिन द एन्वायरमेंट प्लांट के वेस्ट जो हो गए उनको भी जो है माइक्रोब्स की देखो यहाँ पे लिखा हुआ गया प्लांट की वेस्ट को भी जो है मैन्यूअल में कन्वर्ट कर देता है माइक्रोब्स की हेल्प से ठीक है उसके बाद फिर यहाँ पे जो मर ग जो मर जाते प्लांट जो एनिमल कर जाते हैं उनके ऊपर भी बहुत सारा माइक्रोव रख के जो उसमें से सही प्रोडक्ट होता है जो चाहिए होता है वो सबको मैन्यूअल में कन्वर्ट करके आगे हेल्पफुल रहते हैं ठीक है अब हम आज बात करते हैं जब किसी कोई भी चीज़ होती है उसकी एक अच्छी चीज़ होती है कोई एक बड़ी बुरी चीज़ होती है तो पहली चैप्टर क्लियर किया होता है कि फ्रेंड्स भी और फोई भी है तो फ्रेंड्स तो हम लोग कंप्लीट कर लिए कि वो कैसे कैसे हमारे फ्रेंड्स हैं कितना हेल्पफुल की हम लोग को इन्वायरमेंट में सबके लिए हेल्पफुल है किसी एक के लिए नहीं तो हम लोग बात करेंगे कि हार्मफुल भी कैसे हैं तो ये हार्मफुल कैसे हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनाइज ठीक okay. है तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज कॉल्ड पैथोजिन तो ये तो बहुत ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला आपका डिफिनिशियन है कि पैथोजि कहते किसको है तो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज कॉल्ड पैथोजेंस ठीक है ये पैथोजेंस क्या करते हैं ये ना हमारे फूड को हमारे लेदर के कपड़े को हमारे क्लॉथिंग को सब चीज़ को लेदर के चाहे शूज़ हो या किस सबको ख़राब कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है तो माइक्रो अब देखेंगे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज़ कैसे काउस होते हैं ह्यूमन की बॉडी में ठीक है तो पैथोजेंस हमारे बॉडी में इंटर करते हैं जब हम लोग सांस लेते हैं जब हम लोग प्रेथ करते हैं ना तो उसमें कुछ गंदी हवा और कुछ अच्छी हवा भी जाती है तो उसी में कई बार क्या होता है पैथोजेंस भी इंटर कर जाते हैं और जब वो इंटर करते हैं ना चाहे वो आप अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के बगल में खड़ी हो ठीक है और अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन आपको स्नीज किया तो कुछ ड्रॉपलेट्स भी अगर कुछ गंदे मॉली कुछ गंदे माइक्रोब्स अगर आप उनके प्रेजेंस में होते हुए अगर आप ब्रीथ कर लेते हो तो आपकी बॉडी में तो वो चला गया एंड फिर वो एक हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर देता है किस कारण से एयर से वाटर से फुद से और फिज़िकल टच से तो एग्जांपल क्या क्या है इसका इसका एग्जांपल है कोलेरा कॉमन कोल्ड चिकन पॉक्स और टीबी जब कोई पर्सन स्नीज कर रहा हो तो फिर ना उसके हम लोग दूर होना चाहिए कुछ डिस्टेंस हम लोग को मेंटेन करना चाहिए या फिर उस पर्सन को बोलना चाहिए कि आप हैंकर सिर्फ ले कर खास होता कि ना या फिर आप छीको क्योंकि उससे क्या होगा कुछ भी हम लोग के पास नहीं आएगा और एक हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये सब चीज़ तो हम लोग कोरोना टाइम में देख ही रहे थे कि जब कोई जा रहा था कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन के पास तो वो प्रॉपर मास्क हैंड में ग्लव्स वगैरह पहन के जा रहा था तो ये हम सब लोग देख चुके हैं बट हम लोग को फिर से वो पढ़ना है और उसके एग्जाम में लिखना है ठीक है ये चीज़ हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर ठीक है अब ये कैरियर कौन होता है इन सब डिजीज तो सब के तो कैरियर होते हैं हमारे माइक्रोब्स पहला नंबर पर आता है हाउस फ्लाई मक्खी जो सबके घर में नॉर्मली होती है ठीक है ये कैरियर है फ्लाई जो कभी कभी क्या करते हैं ये एनिमल के स्क्रीट पर और गारबेज में बैठ के आते हैं और फिर एक हेल्दी पर्सन के ऊपर बैठ गए जब तक आप हटाओगे तब तक आपकी बॉडी में वो कुछ ना कुछ लगतेगा ठीक है उससे क्या होता है ना कुछ या फिर आपके फूड के ऊपर जब कोई आपका फूड कवर्ड नहीं हो वो अनकवर्ड हो तो आपके फूड में आके बैठ गया तो वो पार्टिकल्स तो वहाँ पर रह गया और फिर क्या होगा जब वो कोई बच्चा वो कोई खाएगा उसको तो वो बीमार पड़ जाएगा तो इसलिए बोलते हैं कोई भी फूड को हम लोग को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए हमेशा कवर कर करके रखना चाहिए फूड को ठीक है और ये एक और एग्जाम्पल है कैरियर है हमारी कौन है फीमेल एनोफीलीस मॉस्क्यूटो इसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ भाई टू पॉइंट एट फिगर में ये सब क्या करते हैं मलेरिया डेंगू ये सब फ़ीमेल एनोफिलिक्स मॉस्किटो से ही फैलता है ठीक है प्लासमोडियम पैरासाइट ऑफ मलेरिया ये म, मलेरिया फैलाता है डेंगू फैलाते हैं अभी कितना फैला हुआ था तो ये सब जो मॉस्कीटोज़ होते हैं ना ये सब पानी में ब्रीड करते हैं देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ अभी है दे आर ब्रीड इन वाटर ये सब ब्रीड वाटर में करते हैं ठीक है तो हम लोग कहीं पर अगर आस पास देखें कि पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है चाहे वो साफ़ पानी क्यों ना हो या फ्लावर पॉट में कूलर में तो हमें तो उसको क्लीन करना चाहिए और हमेशा सुखा करना चाहिए ताकि उसमें मॉस्किटो ना बैठे और वो ब्रीड ना करे और फिर हमारे हमारे बॉडी में ऐसे बीमारी खतरे ना बने अब यहाँ पर कुछ ह्यूमन डिजीज़ के बारे में बताया गया है आइज़ इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं असल में आप पर पढ़ चुके हैं बट फिर से टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है तो उसको आगे फिर से वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले आता है यहाँ पर डिजीज़ जो है टीबी टीबी किससे होता है बैक्टीरिया से होता है ठीक है ट्रांसमिशन का मोड क्या कि है किस कारण से हो सकता है ये हो सकता है एयर के कारण इसके क्या क्या प्रोटेक्टिव मीज़र है ये हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं देखते फैला 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 देखते हैं पहला जो बॉक्स बना हुआ है ठीक है उसको तो ह्यूमन डिसीज में टीबी आ गया मिसल्स हो गया चिकन पॉक्स पोलियो तो कुछ ये टीबी वी होता है बैक्टीरिया बाकी सब होते हैं वायरस से ठीक है इन सब का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है एयर है या फिर कॉन्टेक्ट है फिजिकल कॉन्टेक्ट क्या और वाटर है इन सब से बच कर सकते हैं हम लोग तो इन सब से हम लोग आइसोलेट रहे मतलब इन सब को लोग आइसोलेट रखें एक जगह पर रखें ये लोग ज़्यादा सामान छूए ना इससे क्या होगा जो अगर दूसरा इंसान सारी वो जगह छू लेगा तो उसको भी हो जाएगा तो ये लोग कम से कम टच करें किसी चीज को और ये लोग भी आइसोलेट रहे और डिस्टेंस पर रहे लोगों की ठीक है और वैक्सीनेशन होते रहे फिर आते हैं बैक्टीरिया से होने वाला वो क्या क्या कोलेरा और टाइफाइड ये किससे मोड ट्रांसमिशन क्या है इसका वाटर और फूड है ठीक है इसमें भी हम लोग को हाइजीन मेंटेन करना होता है पर्सनल हाइजीन सैनिटरी हैबिट रखना चाहिए अच्छी खाना खाना चाहिए और पानी जो है बिल्कुल बॉइल्ड पीना चाहिए ठीक है तो ये पूछ सकता है आपसे कि बैक्टीरिया से कौन कौन से बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती है बैक्टीरिया से होती है टाइफाइड कोलेरा और टीबी वायरस से मीजल्स चिकन पॉक्स पोलियो एंड हेपाटाइटिस और प्रोटोजोआ से मलेरिया ठीक है तो इसका मोड ट्रांसमिशन क्या है हेपाटाइटिस का वाटर है इसमें हम लोग को बोइड पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन होना चाहिए उसके बाद तो फिर मलेरिया की क्या है माइक्रो ऑर्गेनम है प्रोटोजुआ उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है वो है मॉस्कीटो तो मॉस्किटो को अलाव नहीं करना मतलब तो पानी इकट्ठा ना हो जिस कारण से वो ब्रीड ही नहीं कर पाएंगे तो मॉस्कीटो कहाँ से आएंगे तो इस बात का हम ध्यान रखना चाहिए कि पानी इकट्ठा ना हो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास अगर कोई पानी इकट्ठा हो रहा है चाहे वो पॉट में हो चाहे वो कूलर में हो तो आप लोग उसको क्लीन करें और सुखा लें फिर से अच्छा साफ पानी भर दें और टाइम टाइम इसको चेंज करते दे ठीक है इस कारण से वो मॉस्किटो जो है ब्रीड नहीं कर पाएगा और आपके लिए भी सही रहेगा और आपके फैमिली वालों का भी सही रहेगा ठीक है थीके? तो ये हम लोग कुछ पढ़ लिए अब लोग बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल तो एनिमल में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं उनको भी बीमार कर देते हैं जैसे कि एंथरैक्स एंथ्रेक्स ऐसी बीमारी है जो ह्यूमन को, को भी होती है और कैटल को भी होती है किसी कारण बैक्टीरिया के कारण तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि जो एंथ्रेक्स होती है वो किस कारण से होती है वो होती है बैक्टीरिया के कारण किस कारण होती है बैक्टीरिया के कारण और भी कुछ माउथ डिजीज़ होती है और फुट पैरों की डिजीज़ होती है वो सब होती है वायरस के कारण तो ये हो गया एनिमल्स के बाद ये प्लांट्स की बारी तो प्लांट्स में हम लोग देख थे प्लांट्स भी कभी कोई खराब होने रखते तो उनके लिए हम लोग पहले से ही पेस्टिसाइड्स वगैरह मंगवा के रखते हैं ठीक है अब यहाँ पे कुछ प्लांट डिजीज के बारे में दिया हुआ है हम लोग वो भी देख लेते हैं पहला है सिट्रस कैं कैंकर ये कैसे होता है ये होता बैक है बैक्टीरिया के कारण मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन गैस का एयर है सेकेंड है रस्ट ऑफ वीट वीट में रस्ट का लग जाना ये फंगस के कारण फंगी के कारण होता है ठीक है एयर और इसलिए जो हम लोग जब वीट होता है ना वीट को हार्वेस्ट करके वो सुखाते हैं हम लोग इसको अच्छे से हम लोग डॉक्टर फर्स्ट डिस्कस कि इस इसको अच्छे से सुखाते हैं फिर इसको स्टोर करते हैं ना तो ये वही चीज़ है फिर है येलो वीन्स ऑफ ऑफ भिंडी ओकरा कैसे होता है वायरस क्या होता है और इसका ट्रांसमिशन क्या मोड इंसेक्ट है तो इनका कुछ केमिकल्स होते हैं जो इन छिड़कने पर ना वो वो मर जाते हैं माइक्रोब्स ठीक है अब फूड पॉइजनिंग ये तो बहुत कॉमन है कि मतलब कुछ आप गंदे खा खा लेते हो या फिर गंदे तेल बने हुए या फिर कुछ माइक्रोव्स बैठे हो जाते हैं उसके ऊपर बैठ जाते हैं कहीं से बैठ कर आए और आपके फूड के ऊपर बैठ गए तो आप खा आप इन्फेक्टेड हो गए फिर आपका फूड पॉइजनिंग होता है उसका आपको वोमिट वगैरह सब होने लगता है ठीक है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए हम लोग को साफ़ खाना खाना चाहिए ये फूड को पॉइजन रहता है और इसको इवन इससे ना एक बहुत सीरियस बीमारी है ये तो इससे ना बीमारी तो होता ही है और कई कई, -कई बार ना डेथ भी हो गया इससे तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखा करिए खाना जो है साफ़ हो और कवर्ड हो बहुत ज़्यादा खाना ऐसी पड़ा हुआ है तो प्लीज़ मत खाइए इसको अवॉइड करिए क्योंकि आपकी तबीयत पहले है फिर बाकी कुछ बाद में ठीक है तो फूड अब हम बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन की तो फूड प्रिजर्वेशन तो आपके घर में आप मम्मी से पूछोगे दादी से पूछोगे सबको मतलब नॉर्मली घर बड़, के बड़ों को पता ही होता है एंड वो लोग अप्लाई भी करते हैं आज आप लोग बताती हूँ मैं ठीक है आप लोग देखोगे कि ना जब मैंगो जब अचार बनता है आम का ठीक है उसमें बहुत सारे तेल डाल देते हैं नमक डाल देता है कि वो ख़राब ना हो ना हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ कि पहली बहुत सारे मैंगोज़ लेकर आई बट खाई नहीं उसको रख दी एंड कुछ दिन बाद देखी कि वो सारे मैंगो ख़राब हो गए थे लेकिन जब वो वो कन्फ्यूज़ हो गई कि जब उसकी दादी माँ बनाती थी आम के अचार तो वो तो बहुत लंबे मतलब छः छः महीने रखते थी बट वो ख़राब नहीं होते थे तो फिर ये आम कैसे ख़राब हो गए वो बहुत कन्फ्यूज़ थी तो फिर उसने चैप्टर पढ़ी जैसे आप लोग पढ़ रहे हो कि फूड प्रिजर्वेशन नाम की भी एक टॉपिक होती है जिससे हम लोग फूड को प्रिजर्व करते हैं कुछ केमिकल मेथड्स भी होते हैं केमिकल मेथड्स कैसे होते हैं कि हम लोग उसमें कुछ साल्ट नमक और हम लोग एसिड जो डाल देते हैं एसिड ऐसा नहीं कि वो भी सिड डाल देना इसके लिए अलग से कोई एसिड आता है वो एसिड डालने पर क्या होता है वो जो प्री वो माइक्रोब्स का अटैक से बचाता है और कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव है सोडियम बंजोआइट और सोडियम मेटा ठीक है जैम स्क्वैश वगैरह जो खरीदते हैं उसमें ये सब डाला रहता है उससे क्या होता है माइक्रोब्स इंटर नहीं कर पाते हैं अब कॉमन साल्ट जो हम लोग घर में नमक खाते हैं वो सब भी प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं जैसे कि मीट और फिश हो गया इन सब को क्या करते हैं ना सूखे साल्ट से जो है बहुत सारे सूगर डाल डाल देते हैं इसके में इससे क्या होता है ना कि हमारे बचे रह जाते हैं जैसे कि आंवला कच्चे मैंगो और टर्मेरिंग ये सब के ऊपर नमक डालने से ये लोग के ऊपर माइक्रोब्स नहीं लगते हैं अब कुछ मीठे से भी नहीं लगते जैसे कि शुगर जैसे जैम बनाते हो जेली बनाते हो इन सब में बहुत सारा मीठा रहता है तो इस कारण से माइक्रोव्स इसमें नहीं लगते हैं अब एक और चीज़ है वो है ऑयल एंड विनेगर ऑयल एंड विनेगर भी जो है माइक्रोब्स को बढ़ने नहीं देते हैं माइक्रोब्स को मार डालते हैं लगता नहीं है फिर माइक्रोब्स ठीक है ये कहाँ कहाँ लगता है मीट फिश फ्रूट्स है वेजिटेबल सबको इस सब का मेथड यूज़ किया जाता है अब आते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देखते हो ना जब कोई सब्ज़ी बन जाती है फिर सब्ज़ी को कहाँ देती है मम्मी लोग फ्रिज में उससे क्या होता है ना टेम्परेचर मेंटेन रहता है और जब टेम्परेचर बहुत हाई रहता है ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं लगते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पर एक और टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं वो है पेस्चराइजेशन इसके क्या टॉपिक है ये हम लोग देखते हैं तो मिल्क को जो है बिना बॉयल किए हुए बस थोड़ा सा उसको हीट करना है सिर्फ पंद्रह से तीस सेकेंड के लिए और फिर इसको ठंडे स्टोरेज में कर रख लग देना है ऐसे करने से क्या होगा ना इसमें माइक्रोब्स बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं होगा माइक्रोब्स का ये प्रोसेस डिस्कवर किया गया था लुइस पेस्टर के द्वारा इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है पैस्टराइजेशन ठीक है ये ना ईजी याद हो गया नाम करना नाम याद करना ईज़ी हो गया क्योंकि इसको इन्वेंट कौन किया था डिस्कवर कौन किया था हो गया और उसको कहते क्या है दोनों का नाम बहुत सिमिलर है लुइस पास्टर ने डिस्कवर किया था और उसका नाम क्या है पेस्टराइजेशन ठीक है अब लोग आगे डिस्कस करते हैं कि स्टोरेज एंड पैकिंग के बारे में आजकल क्या होता है ना ड्राई फ्रूट और वेजिटेबल देखो कभी कभी ठंडे ठंडे एकदम एयर टाइट जगह पर जो है पैक रहता है वेजिटेबल्स वगैरह वे और ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो सब ख़राब नहीं होते क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन भरे हुए होते हैं ठीक है उस कारण से वो ख़राब नहीं होता और बहुत अच्छे से टाइट रहते हैं सोड रहते हैं टाइट सीड रहते हैं उसके अंदर और माइक्रोब्स के अंदर जगह नहीं होती है और माइक्रोव ग्रोथ भी नहीं कर पाते इस कारण से वो लोग बिल्कुल सेफ रहते हैं अब आ गया वो टॉपिक जिसका हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे नाइट्रोजन फिक्सेशन तो इसमें एक बैक्टीरिया जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो है राइज़ोबियम बैक्टीरिया जिसके बारे में हम लोग क्लास सिक्स सेवन में बिल्कुल पढ़ के आए हुए हैं ठीक है ये लिगोमिनस प्लांट लिगोमिनस प्लांट जो क्या करता है ना ये जो लेगोमिनस प्लांट जो है नाइट्रोजन को फ़िक्स करता है राइजोबियम राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ना वो लिगोमिनस प्लांट के रूट में होता है ठीक है ये दोनों एक दूसरे के साथ सेम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर ये लोग जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं अब कैसे क्या करते हैं हम सबको डिस्कस करेंगे ठीक है आइए आगे, आगे देखते हैं ये पूरी एक नाइट्रोजन साइकिल होती है अब देखो पहले पे फिगर फिगर देख लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो ऐसे ही लेगोमिन का प्लांट आ गया इसके रूट्स में क्या है राइजोबियम बैक्टीरिया है क्या है राइजोबियम बैक्टीरिया ठीक है यही नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं अब आते नाइट्रोजन हैं नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर पहले हम लोग इस डायग्राम समझते हैं फिर हम लोग देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है वहां पे ठीक है एटमोसफियर में नाइट्रोजन होता है सेवेंटी एट परसेंट ये भी एम सी क्यों में पूछना चाहता है कि नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन कितने होते हैं तो ये होता है सेवेंटी एट परसेंट ठीक है और आप लोग बहुत शॉक्ड रहोगे कि ये हम लोग यूज़ भी करते हैं बट फिर भी ये कभी घटता और बढ़ता नहीं है किस कारण से ये डिस्कस करते हैं तो जो एटमोस्फेयर नाइट्रोजन होते हैं जब कभी लाइटनिंग होती है ना थंडर की आवाज़ और लाइटनिंग वगैरह होती है ना तो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल प्लांट जो क्या करते हैं जो वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया था लेगोमिनस प्लांट में वो वहाँ से नाइट्रोजन को लेते हैं ठीक है फिर उसको नाइट्रोजन पहले देखो यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से ये एटमोस्पिय नाइट्रोजन है कितने हैं ये सेवेंटी एट परसेंट ठीक है ये यह यहाँ गए बैक्टीरिया इसको लिया कौन सा बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरियाज़ को लिया लेगोमिनस प्लांट के जो रूट में होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया वो उसको लिए उसके बाद फिर क्या किए ये बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर दिए किसमें नाइट्रोजिनस कंपाउंड में किसमें कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजिनस कंपाउंड में और फिर ये नाइट्रोजन नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो हो गया फिर ये जो प्लांट नाइचुरल कंपाउंड हो गया ये प्लांट जो है इसको एब्जॉर्ब कर लिया प्लांट जो है इसको ले लिया ये बैक्ट इसको फिर उस प्लांट को जब हम लोग एनिमल खाते हैं ये देखो लिया कौन ले लिया ये प्लांट ले लिया प्लांट ले फिर प्लांट को कौन खाया एनिमल खाया फिर जब वो एक्सक्रीट किया या फिर वो डेथ कर गया तो उसके अंदर जितना भी नाइट्रोजन का वेस्ट था वो सब वापस से प्लांट मिल गया और फिर से वो प्लांट क्या किया बैक्टीरिया क्या किया वो नाइट्रोजन कंपाउंड को जो है वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके एटमोस्फेयर में दे दिया ठीक है सौन में आया प्रोसेस पूरा ये जो एटमोस्फेर नाइट्रोजन है पहले क्या किया ये लिया फिर एक बैक्टीरिया है ल्यूमिनस प्लांट के रूट में राइसो बैक्टीरिया वो इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया देन वो प्लांट उसको खाया फिर प्लांट को एनिमल खाया फिर जब एनिमल एक्सक्रीट किया फिर वो देथ किया तो उनमें से जो नाइट्रोजनस कंपाउंड था वो वापस से सॉयल में कन्वर्ट तो सॉयल में मिल गया और फिर वो क्या किया नाइट्रोजनस कंपाउंड को जो है वापस से वो बैक्टीरिया जो भी एम बैक्टीरिया जो है उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया और नाइट्रोजन वापस से उतना ही रह गया तो ये कभी घटता बढ़ता नहीं है ठीक है आप लोग ध्यान दे रहे हैं इस बात पर जो मैंने खुदाई पूरा सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है सो so, हम लोग चैप्टर के वाला एंड होता है तो उसमें अगर कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपनी प्यारी से फीडबैक ज़रूर दें सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक तो के लिए ओके बाय